नमस्कार मित्रों, द प्रवीण मणि में आपका स्वागत करता हूं। आज का जो आध्यात्मिक अंक है वह हनुमान चालीसा से संबंधित ही है। हनुमान चालीसा बहुत ही रहस्यमय पुस्तक है। आज के युग में, कलयुग में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज का एक समझिए वरदान है और सबका निराकरण, हर तरह का निराकरण हनुमान चालीसा में है। एक बहुत ही मूल्यवान बातें आप लोगों को बताना चाहूंगा। अगर आप मंगलवार का व्रत रहते हैं, हनुमान जी महाराज पर आपकी आस्था है, और अगर आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, सुंदरकांड का भी पाठ करते हैं कभी कभी शनिचर शनिवार या मंगलवार को, और हनुमान चालीसा का पाठ प्रतिदिन करते हैं, मंगलवार व्रत रहते हैं, तो उनके लिए है। जैसे हनुमान चालीसा, जब आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो सबसे जो आखिरी चौपाई है, अंतिम चौपाई है, तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजै नाथ हृदय महडेरा। मैं यहां पर आप लोग का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, जहां कह रहा है कि तुलसीदास सदा हरि चेरा। तुलसीदास जी ने लिखा है हनुमान चालीसा, इसलिए तुलसीदास जी महाराज करते हैं, कहते हैं कि तुलसीदास सदा हरि चेरा, मतलब तुलसीदास जी जो हैं वह भगवान हरि के चेले हैं। चेरा कहा जाता है अवधि भाषा में, और इसलिए महाराज आप हमारे अंदर डेरा लगाइए, हमारे हृदय के अंदर डेरा लगाइए, ऐसा तुलसीदास जी महाराज कहते हैं। तो आप अगर हनुमान जी महाराज के प्रति आपकी आस्था है, मंगलवार व्रत रहते हैं, अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ प्रतिदिन कर रहे हैं, तो आप अपने अंदर सुधार यह करिए, जब हनुमान चालीसा का पाठ करिए तो जैसे तुलसीदास जहां आ रहा है वहां आप अपना नाम लीजिए। जैसे अगर मेरा नाम प्रवीण मणि त्रिपाठी है तो मैं बोलूंगा कि प्रवीण मणि त्रिपाठी सदा हरि चेरा की जय नाथ हृदय महडेरा। यह सुधार आपके अंदर अवश्य होना चाहिए, क्योंकि आप अगर प्रतिदिन पाठ कर रहे हैं तब प्रतिदिन पाठ करते हैं, मंगलवार को व्रत रहते हैं, तब उनके लिए है। जो हनुमान जी महाराज एकदम पक्के भक्त मानते हैं, पक्के भक्त मानते हैं शिव को, वह लोग यह कार्य जरूर करें, अपने अंदर सुधार करें। क्योंकि तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि मैं आपका क्या बोलता हूँ चेरा हूँ, लेकिन अगर आप यह कह रहे हैं इसका मतलब आप उनको ही चेरा मांगते हैं, अपने को मानते नहीं, तो आप अपने अंदर यह महत्वपूर्ण सुधार जरूर करिए, ताकि हनुमान जी महाराज की विशेष कृपा आप पर होती रहे। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और मित्रों के बीच इस वीडियो को शेयर जरूर कर सकते हैं, अपना महत्वपूर्ण सुझाव भी दे सकते हैं। जय सियाराम, जय हनुमान।